एकेडमी के चेयरमैन अल्लाम नारायण साहब, हमारे मुकामी एमएलए अर्दिल अजीज़ मुमताज़ अहमद खान साहब, हमारे एमएलसी जाफरी साहब और बहुत से साफियों ने शिरकत की। माजिद हुसैन साहब ने लीड लिया। यकीनन उर्दू ज़बान हमारी हिंदुस्तान की ज़बान है और इस तेलंगाना स्टेट में उर्दू ज़बान ने बहुत तरक्की की। हमारे पास साबिका दौर में उर्दू यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी था, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी वहाँ पढ़ा करते थे और हम चाहते हैं कि उर्दू ज़बान हमेशा तरक्की करती रहे। हमारे आनेबल सीएम साहब ने उर्दू ज़बान को सारे तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया और उर्दू के लिए उर्दू ऑफिसर्स का अपॉइंट किया। जब से 1956 में जब आंध्रा में मिले, हम मिलने के बाद हमारी उर्दू ज़बान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, मगर हमें उम्मीद है आने वाले टाइम पर ज़रूर उर्दू ज़बान, क्योंकि उर्दू ज़बान एम्प्लॉयमेंट की ज़बान नहीं रही, ज़माना बदल चुका है। मैं उर्दू ज़बान हमारी अपनी मादरी ज़बान है, उसे कायम करने के लिए हम तमाम भाइयों से अपील करते हैं, मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर सिखाइए। आप ज़रूर अंग्रेज़ी सिखाइए और कोई लैंग्वेज ज़रूर सिखाइए, ऐसी बात नहीं है। बस मैं उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज मत कीजिए। उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, हम उर्दू ज़बान की हिफाजत करना चाहिए और हुकूमत भी इस सिलसिले में कड़े इकदाम लेते हुए उर्दू ज़बान की हिफाजत करेगी। और उर्दू अखबार, चूँकि आज से 200 साल पहले उर्दू अखबार शुरू हुआ था, आज 200 साल का जश्न मनाया जा रहा है और कंटिन्यू जश्न एक दिन नहीं रहेगा। ये 2 दिन की ट्रेनिंग क्लासेस है और बहुत से डिस्ट्रिक्ट से उर्दू साफ़ी आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस प्रोग्राम कामयाब होने पर तमाम हमारे जो कायदीन यहाँ पर आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया भाइयों से भी शुक्रिया अदा करते हुए गुजारिश करता हूँ कि पहले आप अपनी ज़बान की तरफ जानने के लिए सबसे अपील कीजिए। लोग ज़रूर अंग्रेज़ी मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर ऐसे स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाइए अंग्रेज़ी मीडियम में जहाँ उर्दू भी पढ़ाई जाती है। सीएम साहब ने ख़ासतौर से रेजिडेंशियल स्कूल में आज 1,14,000 मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं करीब करीब, तो उसमें जो है उन बच्चों को उर्दू और अरबी सिखाई जाती है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ पेरेंट्स से, उर्दू ज़बान की हिफाजत चाहते हैं तो अपने बच्चों को उर्दू ज़बान ज़रूर सिखाइए, क्योंकि बोलचाल की ज़बान तो बहुत से लोग जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी बहुत जानते हैं, 95% ज़्यादा लोग उर्दू अच्छी तरह जानते हैं बातचीत कर, और बातचीत उर्दू ज़बान बातचीत करने से नहीं रहती, उर्दू ज़बान में लिखना पढ़ना भी आना चाहिए। उसके लिए अपने बच्चों को उर्दू सिखाइए, हुकूमत हमेशा आपके साथ है। और सीएम साहब ने ख़ासतौर से इस मरतबा जॉब्स में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में उर्दू में लिखने का मौका दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू का लोगों को जॉब मिल सकते हैं। उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उर्दू के 200 साल जश्न आगे भी मनाया जाएगा, अच्छे पैमाने पर मनाया जाएगा। बहुत से साथियों ने डिमांड किया कि डिस्ट्रिक्टों में प्रोग्राम रखे, ज़रूर रखा जाएगा। जहाँ पर बहुत सी आबादी ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों की है तो वहाँ ज़रूर उर्दू के कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा और वहाँ पर भी तो मैं चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इन दोनों को भी तहे पेश की जाए।